नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। 2 मई को आईपीएल के 44वें मैच में उलटफेर देखने को मिला, जहां दिल्ली कैपिटल्स, जो पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे 10वें नंबर पर है, उसने टॉप पर बैठी गुजरात टाइटंस को मात दे दी। इस मैच में एक समय दिल्ली की टीम 23 रन पर 5 विकेट खो चुकी थी, लेकिन उसके बाद अमन खान की बेहतरीन बैटिंग के दम पर 130 रन तक पहुंच पाई। और इसके बाद इस छोटे से लक्ष्य को डिफेंड करते हुए दिल्ली के गेंदबाजों ने गुजरात के बल्लेबाजों को 125 रन पर ही रोक दिया, जबकि एक छोर पर गुजरात के कप्तान 59 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। इस हार की जिम्मेदारी खुद हार्दिक पांड्या ने ली, और लेनी भी चाहिए, क्योंकि हार्दिक उस समय सेट बल्लेबाज थे और अर्धशतक लगा चुके थे, फिर भी बड़े शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया। हार्दिक ने इस हार के बाद बल्लेबाजों पर निशाना साधा और कहा, हम किसी भी दिन 130 रन बना सकते थे। शुरुआत में कुछ विकेट गवाए, लेकिन अंत में राहुल ने हमें गेम में वापसी कराई। अंत में मैंने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हम बीच में कुछ बड़े ओवर करने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हम लय हासिल नहीं कर पाए। अभिनव के लिए भी यह नया था, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कैसे गेम खत्म नहीं कर पाया। हार्दिक ने गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा, गेंदबाजों को यहाँ पर पूरे अंक मिलने चाहिए। मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं गेम खत्म नहीं कर पाया। विकेट काफी अच्छा था, यह विकेट का दबाव था, उन्होंने वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की। अंत में राहुल तेवतिया ने हमें गेम में वापसी जरूर कराई, नहीं तो वो काफी आगे थे। हम यह गेम इसलिए हारे क्योंकि मैं अपनी लय हासिल नहीं कर सका। वहीं हार्दिक ने मोहम्मद शमी की भी तारीफ करते हुए कहा, मुझे उनके लिए दुख होता है। अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करते हैं और टीम को 129 रन पर रोक देते हैं और फिर भी जीत नहीं पाते हैं, तो बल्लेबाजों ने निराश किया। मुझे नहीं लगता कि विकेट ने बहुत कुछ किया, लेकिन पूरा श्रेय उन्हें जाता है। बता दें कि मोहम्मद शमी ने इस मैच में 4 ओवर में 11 रन देकर 4 विकेट लिए थे। हार्दिक पांड्या की बात करें तो इस मैच में उन्होंने 53 गेंदों का सामना किया और 59 रन बनाए। हार्दिक अंत तक क्रीज पर मौजूद रहे, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। इस सीजन हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट भी काफी कम रहा है। इस सीजन 8 मैचों में हार्दिक ने सिर्फ 117 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। इस मैच में भी उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 111 का रहा, जो कि कहीं ना कहीं इस हार का कारण भी बना। अगर बीच में हार्दिक थोड़ा तेज खेलते तो शायद यह मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।